हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशंस, वेरियस कॉमन सिंबल्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। कॉमन सिंबल्स कौन से होते हैं जो हम ड्राइंग की शीट को कंप्लीट करने के लिए जिन सिंबल्स की हेल्प लेते हैं, वो सिंबल्स बहुत ही वाइड वास्ट हैं। उसका कोई हम ये नहीं है कि हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक ही ब्रांच के हैं या एक ही टॉपिक के सिंबल्स हैं। ठीक है, ये हमारे काफी जो ग्राफिक्स है जिसको हम ड्राइंग भी कहते हैं, ये काफी वास्ट है। कोई भी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, वो सारी आपकी प्योरली पहले डिजाइन पे ही डिपेंड करती है। ड्राइंग पे पहले आपको डिजाइन सोचना पड़ेगा, फिर आपको उसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले ड्राइंग बनाते हुए कुछ सिंबल्स हैं कॉमन जिसका हमने ध्यान रखना है। तो वो सिंबल्स को हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सी ब्रांच में कौन से सिंबल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंबल्स पे पहुंचने से पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज फर्स्ट एंगल एंड व्हाट इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रोजेक्शन वाले चैप्टर में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और इंडिया में भी हमारे यही वाला सिस्टम फॉलो होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखो नीचे वाला है जो आपका नीचे वाला व्यू है, मैं दिखाता हूँ आपको मार्कर के साथ। हाँ जी, जो ये वाला व्यू है ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या खासियत होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की? जो आपकी फ्रंट व्यू होती है वो आपकी ऊपर बनती है, और जो टॉप व्यू होती है वो फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली नीचे, और जो राइट साइड व्यू है वो आपकी बनती है लेफ्ट साइड में। ठीक है, और सिमिलरली जो लेफ्ट साइड व्यू है वो बनेगी आपकी राइट साइड में। ये आपके फीचर्स हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के, और हम इसी के अकॉर्डिंग सारी शीट बनाते आए हैं अभी तक और आगे भी बनाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में फॉलो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। बात करते हैं दूसरे सिस्टम की जिसको हम कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। वो कहाँ पे यूज होता है? वो होता है आपका यूनाइटेड स्टेट में, ज्यादातर वो अमेरिका में फॉलो होता है, और उनके थोड़े से जो ड्राइंग को पढ़ने के स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है। उनमें जो आपका फ्रंट व्यू होता है वो आपका बनता है नीचे, टॉप व्यू बनता है ऊपर, दैट इज द एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इंडियन सिस्टम। एंड जो उसका साइड व्यू बनता है वो भी फ्रंट व्यू के साइड में ही बनता है, और फ्रंट व्यू अगर नीचे है तो साइड व्यू भी आपका नीचे ही बनेगा। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, हम पता भी है फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवाई है, क्योंकि ये भी सिंबल में ही आ जाता है आपका। अब बात करते हैं जो सिंबल और कन्वेंशन हमारे यूज होते हैं सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसकी जो इंट्रोडक्शन आती है उसमें यही चीज है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सिंबल्स को पढ़ने का? सिंबल्स को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर कि अगर आपके सामने कोई ड्राइंग रख दे कि आप इसको पढ़िए और अपना मशीन के ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, तो आपको उसके अंदर जितने भी सिंबल हैं, चाहे वो शॉर्ट में नोटेशन में हो, चाहे पूरा आपको ड्राइंग की रिप्रेजेंटेशन दी हो, आपको सिंबल को पढ़ते ही आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं क्लियर होगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे आपको कौन सा प्रोसेस लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सबसे पहले कि सिंबल्स की जानकारी हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ आ गई। अब सिंबल होते क्या हैं? सिंबल मीन्स द शॉर्टेस्ट नोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग शीट। ठीक है, क्या कह रहा है? एक शॉर्टेस्ट नोटेशन होती है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की, उसको हम कहते हैं सिंबल। ठीक है जी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इजीली समझ आ जाए। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो रोड पे अगर हमने लेफ्ट मुड़ना है, दाएं बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, वहां पे लिखा नहीं होता कि दाएं मुड़िए, वहां पे आपको सिंबल लगा होता है। ठीक है ना, ऐसे टर्न का, तो उसको देखते ही जो आपके व्हीकल जो चला रहे हैं, आपके ड्राइवर हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग टेस्ट में कि आपको उन सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, आप सभी ने कंप्यूटर टेस्ट का देखा होगा कि कैसे कंप्यूटर टेस्ट होता है, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। सिमिलरली वैसे ही आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में होता है। जब आप इंजीनियर बनते हैं तो उससे पहले आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इन सिंबल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और इन सिंबल्स से आपको क्या जानकारी मिलती है कि कैसे हम शॉर्टकट में हम वेरियस प्रोसेसेस को समझ सकते हैं जब हम इनको ड्राइंग के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइंग शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सिंबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको पता है सबसे ज्यादा किस चीज का काम होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में सबसे ज्यादा काम होता है आपका इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसा कि नाम में दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो हमें इसमें सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट की, स्विचेस की ज्यादातर ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके सबके पास आईटीआई या डिप्लोमा होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है जी। ये इसमें हमारा है। अब इसमें जो सिंबल है वो आपके सामने है, देखिए मैं आपको 8-10 सिंबल है उनके बारे में बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में आपको बुक में मिल जाएंगे ये। देखिए सबसे पहले वन वे स्विच। अब जब हम इसकी ड्राइंग बनती है, जैसे आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ड्राइंग बनती है ना, वैसे ही जहां से जहां तक आपकी आपकी बिजली की लाइनें बिछानी है या पावर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछानी है, तो उसकी भी पहले डिजाइन तैयार होता है आपका, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर ड्राइंग तैयार होती है, तो ड्राइंग में हमने ये सिंबल लगाने होते हैं, उससे पता लगता है कि कहाँ वन वे स्विच लगा हुआ है पूरे रास्ते के बीच में, कहाँ टू वे स्विच है, और उन सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। वो किसको पता होगा उसका यूज, वो पता होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, ठीक है। आपको सिर्फ सिलेबस में सिंबल्स हैं ताकि आपको पता होना चाहिए आपको भी कि ये किस किस ट्रेड के बंदे का काम है, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं उसका काम, ठीक है ना। एज ए इंजीनियर, कॉमन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ये सिंबल क्या शो करता है, और आप सिंबल को पढ़ के उस इंजीनियर के पास उस ड्राइंग को भेज सकते हो ताकि वो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके और उसका अच्छा मतलब समझ के आपको समझा सके, ठीक है, अगर आप मैनेजर हो कंपनी में। तो अब इसमें देखिए वन वे स्विच है, टू वे स्विच है, इंडिकेटर है, बेल पुश है, इसमें लाइट प्लग है, पावर प्लग है, ये सारे आपके क्या हैं, जो आपका जहां भी ट्रांसमिशन लाइन बनती है तो उन सब में ये सारी चीजें यूज होती हैं, बट हम वहां पे उनको पूरा लिखते नहीं है, उनको सिर्फ एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिंपल ट्यूब लाइट लगानी है, आप कमरा जब आप आर्किटेक्चर के पास जाते हो तो वो क्या होता है, उसमें इसका भी प्लान तैयार होता है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का भी प्लान तैयार होता है सारा, ठीक है। किसी अच्छे आर्किटेक्चर पे जाओगे, मॉल्स वगैरह की फिटिंग देखोगे, तो वहां पे फायर फाइटिंग का भी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का भी, प्लम्बिंग फिटिंग के भी, सबके सिंबल होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसमें हमने ये सिंबल्स लगाने हैं, जैसे जहां ट्यूबलाइट है उसकी जगह ये सिंबल आ जाएगा, जहां डबल ट्यूबलाइट है उसका ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली रैंप का सिंबल है, रैंप और बल्ब का, और रैंप माउंटेड ऑन हाँ द वॉल उसका भी हमारे पास तो सिंबल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग चीजों के अलग अलग सिंबल हैं एज भैया फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी में भी आपके इलेक्ट्रिकल के सिंबल हैं, थोड़े वो एक्स्ट्रा सिंबल हैं। जब हम पूरा डिटेल में इसमें जाते हैं तो इसमें देखिए और कौन कौन से सिंबल है। रैम माउंटेड ऑन अ सीलिंग, ठीक है। जब आप छत से आप रैम को माउंट करते हैं तो उसका सिंबल ये है आपका। फैन रेगुलेटर का सिंबल है, सीलिंग फैन का सिंबल है, ब्रैकेट फैन, एग्जॉस्ट फैन, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, अर्थिंग, थर्मोस्टेट, मीटर, ठीक है जी। सेल, सेल का मतलब बैटरी, आपकी बैटरी कनेक्शन, कन्वेक्शन हीटर, ये सारे आपके जो घरों में यूज होते हैं बिजली की हाइट में, ये सारे उन्हीं के ही सिंबल्स हैं। हम वहां पे क्या करेंगे, अपने मैप के अंदर उसको लिखेंगे नहीं कि हमने यहाँ पे टेलीफोन लगाया है या हमने यहाँ पे ट्यूब लगाई है, हम एक सिंबल लगा देंगे, बस उस सिंबल को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये बिजली का अपैरेटस लगा है और इसमें फिटिंग इस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है जी। ये है एक अच्छे इंजीनियर की निशानी और एक अच्छे टेक्नीशियन की निशानी, जो आपकी ड्राइंग को पढ़ के ही बता देगा आपके घर में कौन सी फिटिंग कहाँ पे हुई पड़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सिंबल्स की, सिविल इंजीनियरिंग सिंबल्स की। सिविल इंजीनियरिंग सिंबल में क्या आता है आपका, सिविल इंजीनियरिंग सिंबल्स में आपके आ जाते हैं जैसा कि देखिए प्लेन किचन सिंक, स्लोप सिंक, ड्रेन कोक। ड्रेन कोक का मतलब जहां से आपका ड्रेन का पानी बाहर निकलता है, स्टॉप वाल्व, रेक्टेंगुलर बाथ, ये आपके जो आपके बाथरूम में सिंबल यूज होते हैं, जो भी आपके एक्सेसरीज हैं बाथरूम में किस हिसाब से लगानी है, शोवर हेड, ठीक है ना। ये सारे सिविल वालों का काम है। जब आपका मकान बन रहा होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो उस टाइम पे जो आपका डिजाइनर है, उसने जो आपका ठेकेदार है उसको समझाने के लिए एक मैप तैयार किया होता है, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो आपकी डिजाइन को आगे बढ़ा के उसको कंस्ट्रक्शन को तैयार करके आपको दे सके ओनर को, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसने ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए, जो आपका ठेकेदार है या फिर जो भी आप मिस्त्री कहते हैं, उसकी सबसे पहली क्वालिटी यही है कि उसको आपकी ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए।
जो भी एक ड्राइंग इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, वो आपको कोई ड्राइंग बना के दिया है तो वो सिंबल्स उसको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि किसी किसी चीज के सिंबल एक से ज्यादा भी होते हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका क्या मतलब है। तो उसमें एक आधे सिंबल में कोई दिक्कत नहीं आती, वो उसको क्लैरिटी कर सकता है, आपस में बैठ के उसको बात कर सकते हैं। बट ज्यादातर सिंबल आपके वर्ल्ड वाइड कॉमन ही चलते हैं, तो उनकी उसको समझ होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आगे चल के ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, आपस में कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। अब इसमें और देखिए कौन कौन से सिंबल हैं, हॉट वाटर टैंक कहाँ पे है, यूरिनल वाटर टैंक कहाँ है, लो टैंक कहाँ पे है, फायर हाइड्रेंट कहाँ है, पंप पंप कहाँ लगा हुआ है घर में आपके, ये टॉवर कहाँ है, बेड कहाँ है, ये सारा आपको क्या है, पहले ही विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स सिविल इंजीनियर आपको डिजाइन करके देता है, ताकि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये काम है आपका सिविल इंजीनियर का। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी में। ये देखिए जो सिविल इंजीनियरिंग का आपको मैप तैयार होता है, वो इस ढंग से होता है कुछ। इसमें देखिए बिल्डिंग प्लान ड्राइंग्स होती हैं आपकी, बिल्डिंग प्लान ड्राइंग्स। तो इसमें देखिए कैसे यहाँ पे इसमें रूम दिखाया हुआ है, रूम के डिमेंशन लिखे हुए हैं 13.6 x 12। तो ये ऐसे ही जब हम कहीं पे जाते हैं मकान बनाने के लिए, तो हम उसकी प्लानिंग पूछते हैं। ठीक है ना, किसी आर्किटेक्चर पे जाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले एरिया पूछता है, कितना एरिया है आपका जिसको आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, तो आपको एरिया बताना पड़ेगा। फिर वो उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छी अच्छी ड्राइंग सजेस्ट करेगा, जो आपको पसंद आएंगी वो उस डिजाइन को फाइनल कर देता है। फिर आप क्या करते हैं, उस डिजाइन को लेके जिससे बनवाना है, जिन जिन कारीगर से आपने बनवाना है, उनको आप देंगे वो जाके, वो उसको ड्राइंग को पढ़ के स्टेप बाय स्टेप आपके ये जो सिविल सिंबल्स हैं और इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं टेक्नीशियन। दोनों, पहले आपका सिविल का काम होता है और उसके बाद आपका नंबर आता है इलेक्ट्रिकल का और देन प्लम्बिंग का। ये आपकी कुछ आपके मेन मेन काम है, जब भी आप कोई नई नई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें इन सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें देखिए ये ऊपर कुछ सिंबल रह गए थे एक्स्ट्रा, रेफ्रिजरेटर का, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, ये भी हमारे यूज होते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की फिटिंग करते हैं। तो बच्चों आज के लिए हमने बस इतना ही डिस्कस करना था, सिंबल्स के बारे में आपको बताना था। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और इंस्ट्रक्टिंग आपको ये जो जो भी मैंने आपको सिंबल्स के बारे में जानकारी दी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो आपका बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए मेरे साथ।